हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 3 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस वर्ष तक भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को 2.8% तक का नुकसान हो सकता है? तो इसमें आंसर आएगा 2050 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2018 किस देश ने जीता? तो इसमें आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 15वीं बार हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया, और इस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन नीदरलैंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने राज्यों और जिलों में आर्थिक आंकड़ों की गणना के लिए मानदंडों को अपग्रेड करने के लिए 13 सदस्य समिति की स्थापना की है, इस समिति का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें आंसर आएगा रविंदर एच ढोलकिया ने। यह केंद्र और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के डेटा और आवश्यकताओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए देश में एसडीपी और डीडीपी में सुधार के उपायों को भी सुझाव देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया ओपन खिताब 2018 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? मलेशिया ओपन ये बैडमिंटन से संबंधित है, और यह खिताब ली चोंग वी ने जीता, और इस किताब को जीतने के साथ ही इस टूर्नामेंट को सबसे अधिक बार जीतने का रिकॉर्ड भी ली चोंग वी ने अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 7वीं बार भारत में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकीय कॉलेज का दर्जा किसे दिया गया? तो इसमें आंसर आएगा मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति कौन सी है? तो इसमें आंसर आएगा रामानुजाचार्य मूर्ति हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष और अगले 3 साल तक बोर्ड के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा जी सी चतुर्वेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी को आईडीबीआई बैंक में बहुमत हासिल करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसमें आंसर आएगा भारतीय जीवन बीमा निगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक बोर्ड ब्यूरो भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है, इसके लिए निम्नलिखित में से किस समिति ने सिफारिश की थी? तो इसमें आंसर आएगा पीजे नायक समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जुलाई को वेबकॉस अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है, यह किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा वेबकॉस जलापूर्ति बोर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को बढ़ाने हेतु रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा ओडिशा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला खादी मॉल कहाँ स्थापित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा देश का पहला खादी मॉल झारखंड में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेक्सिको के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसमें आंसर आएगा मेक्सिको के नए राष्ट्रपति बने एंड्रेस मैनुअल लोपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साथिया श्री शर्मिला भारत का पहला ट्रांसजेंडर वकील बन गया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो इसमें आंसर आएगा इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर वकील कौन बना है, तो इसमें आपका आंसर होगा साथिया श्री शर्मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए निदेशक के रूप में चुना गया है? तो इसमें आंसर आएगा के बी
विजय श्रीनिवास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब रेस में भाग लेने के लिए आमंत्रित एकमात्र एशियाई कौन है? तो इसमें आंसर आएगा नौसेना के कमांडर अभिलाष टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय एस्टुराइन मगरमच्छ का सबसे बड़ा आवास बना है? तो इसमें आंसर आएगा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, और यह राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। क्वेश्चन है, किसे हाल ही में कालिदास पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस है अंजलि इला मेनन, श्वेता मेनन, अजय दिवाकर, संजना मिश्रा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सकें।